हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 15 ऐसी इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जिनका यूज़ हॉस्पिटल्स में होता है। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इंजेक्शन इसमें सबसे पहले यूज होता है वो है ट्रनेक्सा, जिसमें कि ट्रनेक्सेमिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसका यूज़ होता है अत्यधिक रक्त के बहाव को रोकने के लिए। इस इंजेक्शन को आईवी यानी कि इंट्रावेनसली यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन से ये होता है जो एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो खून बह रहा होता है उसको रोका जाता है। इसके अलावा दूसरा जो इंजेक्शन यूज किया जाता है उसका नाम है एटामिसलेट इंजेक्शन। इसमें कि एटामिसलेट नाम का फॉर्मूला है जिसका उपयोग मासिक धर्म के समय होने वाले अत्यधिक रक्त के बहाव को रोकने में किया जाता है। कभी कभी महिलाओं में पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म के समय अत्यधिक रक्त का बहाव होता है, जिसके कारण एटामिसलेट नाम का इंजेक्शन उसमें दिया जाता है ताकि वह ब्लीडिंग रोकी जा सके। इस इंजेक्शन को आईवी दिया जाता है। तीसरा है पेंटॉप 40, या इसमें जो है फॉर्मूला वो है पेंटाप्राजोल। इसका उपयोग पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसको आईवी इंट्रावेनसली यानी कि नसों में दिया जाता है। चौथा है एविल, जिसमें कि फेनिरामिन नाम का ड्रग प्रेजेंट है। यह एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जिसका उपयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। पांचवा है मोनोसेफ, जिसमें कि सेफेट्रिक जोन नाम का ड्रग मौजूद है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर, लंग्स के इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस में भी किया जाता है। इसको आईवी या आईएम यानी कि इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन अधिकांश मात्रा में इसको जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो है आईवी यानी कि इसको नसों में ही लगाया जाता है। इसके अलावा छठवें नंबर का जो इंजेक्शन आता है वो है जेंटामाइसिन, जिसमें कि जेंटामाइसिन सल्फेट नाम का फॉर्मूला या ड्रग प्रेजेंट है, जिसका इस्तेमाल हड्डियों के इन्फेक्शन, निमोनिया या जेनाइटल इन्फेक्शन में किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। सातवें नंबर पे जो आता है वो है अमीकासीन, जिसमें कि अमीकासीन सल्फेट नाम का ड्रग प्रेजेंट है। यह भी एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग है, जिसमें कि अमीकासीन सल्फेट नाम का ड्रग उपस्थित होता है। इसका उपयोग हड्डियों के इन्फेक्शन, पेट के अंदर होने वाले संक्रमण, निमोनिया आदि में किया जाता है। इस इंजेक्शन को भी आईवी यानी कि इंट्रावेनसली यानी कि नसों में ही दिया जाता है। आठवें नंबर पे जो इंजेक्शन आता है वो है पिपजो, जो कि एंटीबायोटिक कैटेगरी का ही एक ड्रग है, जिसमें कि पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम ये दोनों फॉर्मूले प्रेजेंट हैं। इस दवा का उपयोग यूरिन इन्फेक्शन, पीलिया, टाइफाइड, लंग्स इन्फेक्शन आदि में किया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी यानी कि नसों में ही दिया जाता है। इसके अलावा नौवें नंबर का जो इंजेक्शन आता है वो है मेट्रोजिल इंजेक्शन। यह एक बॉटल टाइप में होती है। इसमें मेट्रोनिडाजोल ड्रग मौजूद होती है, जिसका इस्तेमाल लूज मोशन, पेट के संक्रमण और फूड पॉइजनिंग में किया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी ही यूज किया जाता है यानी कि नसों में ही यूज इसको किया जाता है। दसवें नंबर का जो इंजेक्शन है उसका नाम है एमसेट, जिसमें कि ओंडेमसेट्रोन नाम का ड्रग मौजूद है, जिसका इस्तेमाल उल्टी यानी वॉमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी या आईएम यानी कि इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ग्यारहवें नंबर का जो ड्रग है उसका नाम है डिजॉक्सिन, जिसमें कि डिजॉक्सिन ड्रग मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर की कंडीशन में किया जाता है या फिर अनियमित हृदय गति यानी कि
जो हार्ट बीट है उसको मेंटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 12वें नंबर का जो इंजेक्शन है उसका नाम है लेसिक्स, जिसमें कि फ्यूरेसेमाइड नाम का ड्रग मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में किया जाता है। इसके अलावा 13वें नंबर का जो इंजेक्शन है उसका नाम है एट्रोपिन, जिसमें कि एट्रोपिन सल्फेट नाम का फॉर्मूला प्रेजेंट है, जिसका इस्तेमाल हृदय गति को नियंत्रित करने में, यानी कि हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। कभी कभार यह हो जाता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर कंडीशन में चली जाती है, यानी कि कभी कभी हार्ट बीट काफ़ी तेज चलने लगती है या फिर बहुत स्लो चलने लगती है, जिसको मेंटेन करने के लिए एट्रोपिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा 14वें नंबर का जो इंजेक्शन है उसका नाम है नोराड, जिसमें कि नॉर एड्रिनलिन नाम का ड्रग मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हाइपोटेंशन वाले मरीज में, यानी जिनका बीपी लो रहता है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन जिसका नाम है डेरिफाइलिन, जिसमें कि एटोफाइलिन नाम की ड्रग मौजूद है, जिसका इस्तेमाल अस्थमा के अटैक में भी किया जाता है। और अंततः 15वें नंबर का जो इंजेक्शन है उसका नाम है एफ्टोइन, जिसमें कि फेनेटोइन सोडियम नाम की ड्रग मौजूद है, जिसका इस्तेमाल मिर्गी या एपिलेप्सी में किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सारी ड्रग्स समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।